1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था। मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। जिला प्रशासन वहां जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करें। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहां पे अरेंजमेंट करेगा वहां तुरंत पूजा पाठ शुरू होगा। जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने के अंदर। एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश। पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता होता है कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे, वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा, ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में देखिए, जो 1993 से जो ब्यास जी के तहखाने में ब्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालीन सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार ब्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, इसको कंप्लेन करे, ऐसी मांग हम लोग की है। हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर ना हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था, उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी, शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था। इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। हाँ तो एक हफ्ता में पूरी तैयारी हो जाएगा, हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे, जिला प्रशासन जिला अधिकारी से मिलके हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। अरे 30 साल से बंद था वहाँ पे पूजा, 30 साल से बंद था, अब जाके मतलब नंदी भगवान का प्रतीक्षा भी पूरा हो रहा है, दिन पर दिन पूरा होता जा, एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग की सबसे बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद की। 1993 में उससे पहले पूजा पाठ होती थी, तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम डाले के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया ब्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी सीधे ठीक नहीं है, उस पर अब अंजुमन इतिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया, कल कहा 30 जनवरी को
कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि हम प्रार्थना पत्र 9 अगस्त स्वीकार कर लिया गया, उस पर सरकार रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन तियामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई, आज न्यायालय ने उस पर स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टी का लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। कोई लिखित आदेश नहीं था, अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहां भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही है, आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। देखिए देखिए, जो आदेश है इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे, बादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कि अभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। We'll be right back.